दोस्तों, ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब चैनल अभी जल्द ही मोनेटाइज हुआ है और उनके यूट्यूब के वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, जैसे 40, 50 व्यूज, 100, 150, 200 व्यूज आते हैं और वो लोग एक कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं, बहुत सारे डाउट्स में पड़े हुए हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल तो मोनेटाइज हो गया है लेकिन मेरे यूट्यूब के वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, तो क्या मुझे अपने यूट्यूब के वीडियो पर एड्स को ऑन करना चाहिए या नहीं, यानी अपने यूट्यूब के वीडियो को मोनेटाइज करना चाहिए या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो कंफ्यूजन है ना, उनको अपने माइंड में अपने आप ऐसे ही नहीं आया, दूसरों की वीडियो देख करके आया है। क्योंकि फ्रेंड्स, यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो बनी हुई है, पड़ी हुई है, जिसको लोग देख रहे हैं, उसमें बहुत से यूट्यूबर ने उनको बताया है कि अगर आपके यूट्यूब की वीडियो पर व्यूज कम आते हैं और अगर आप अपने YouTube वीडियो पे एड्स को ऑन कर देते हैं, मोनेटाइजेशन को ऑन कर देते हैं, तो आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाएगा, आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। तो इसी डर के कारण लोग, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अपने YouTube के वीडियो पे एड्स को ऑन नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्या सच में अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है और आपके YouTube के वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, 40, 50, 100, 150 व्यूज आते हैं, तो क्या सच में आपको अपने YouTube के वीडियो पे एड्स को ऑफ करना चाहिए या अपने YouTube के वीडियो को मोनेटाइज कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पे। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो चीजें समझाने जाऊंगा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दोस्तों, आपके जो माइंड में ये जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, और फ्रेंड्स आप कन्फ्यूजन में पड़े हुए कि मैं अपने यूट्यूब के वीडियो पे एड्स को ऑन करूं या ना करूं क्योंकि मेरे यूट्यूब के वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, तो दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन है और ये जो डाउट्स है ना, वो दूसरे की वीडियो को देख करके हुआ है। पहली बात तो मैं आपको साफ साफ एकदम क्लियर बता दूं कि YouTube की पॉलिसी में, YouTube में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आपके YouTube के वीडियो पर व्यूज बहुत कम आते हैं, 40-50 व्यूज, ऐसा कुछ भी हो, व्यूज बहुत कम आते हैं और आप अपने YouTube की वीडियो को मोनेटाइज कर देते हैं, तो आपका एडसेंस अकाउंट डिजेबल हो जाएगा या आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन जो है ना, ऑफ कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब दोस्तों, आप लोग क्यों ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं, क्यों उनकी बातों को सच मान करके बैठ जाते हैं कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मुझे एड्स, अपने एड्स को ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसे लोगों की आप वीडियो देख रहे हैं जो कि अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी चीजें पढ़ा नहीं, समझा नहीं, ना ही यूट्यूब की पॉलिसी को पढ़ा, ना ही टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा, फिर आप उनके बातों को क्यों सच मान के बैठे हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं हकीकत आपको क्या करना। देखिए, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है तो फ्रेंड्स, आपके YouTube के वीडियो पर व्यूज कम आ रहे हैं या ज़्यादा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके वीडियो पर 20 व्यूज आ रहे हैं, 10 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज आ रहे हैं, फिर भी दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आप बिना कुछ सोचे समझे अपने YouTube के वीडियो पर सारे एड्स को ऑन कर दीजिए। कोई यूट्यूबर कितना भी ये कह रहा है कि इस एड्स को ऑन करो, इस एड्स को ऑन मत करो, आप उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए क्योंकि YouTube की पॉलिसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि YouTube के वीडियो पर व्यूज कम आएंगे तो आपको एड्स नहीं ऑन करना है या इस एड्स को ऑन करना है, इस एड्स को बंद करना है, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा है। मिलाजुला के दोस्तों, बात इतनी है कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके वीडियो पर व्यूज कितने भी आ रहे हैं, आपको सारे एड्स को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपने 5-6 मिनट की वीडियो बनाई, तो फ्रेंड्स आपको जब मोनेटाइजेशन के लिए यहां पे जाएंगे अपने वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए, तो सारे एड्स को, अब क्या हो रहा ना, अपडेट होने के कारण सारे एड्स पे ऑटोमेटिक टिक बना हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसको क्या करना, ऑन कर देना है। और मान लीजिए आपका यूट्यूब के चैनल पर वीडियो जो है ना 10-12 मिनट से बड़ी है, तो फ्रेंड्स वहां पे स्किपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्किपेबल वीडियो एड, स्पॉन्सर कार्ड एड्स और डिस्प्ले एड्स, जितने भी सारे एड्स होते हैं, मिड रोल एड, पोस्ट रोल एड्स, प्री रोल एड्स, जितने भी एड्स होते हैं, सारे एड्स को आपको ऑन कर देना है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे यूट्यूब के वीडियो पे एड्स आएंगे तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा, मेरा मोनेटाइजेशन डिजेबल हो जाएगा, मेरा CTR हाई हो जाएगा। ये सब बिल्कुल दोस्तों, ये सब बकवास बातें, अफवाह वाली बातें, आप लोगों को लोग गुमराह कर रहे हैं। सच तो ये है दोस्तों कि अगर आपके YouTube के वीडियो पर व्यूज कम आते हैं और आपका CTR हाई होता है, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपकी वीडियो वायरल होती है तभी आपका दोस्तों CTR हाई होता है, वैसे CTR हाई नहीं होता है। तो आप दूसरों की बातों को मानना छोड़ दीजिए, अपना माइंड यूज करिए और YouTube पॉलिसी को जानिए, समझिए। मैं दोस्तों आपको ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं दोस्तों आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और एग्जाम्पल दूसरे का नहीं बल्कि खुद अपना दूंगा। क्यों दोस्तों,
मैं आपको बता दूं कि मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुए 1 साल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुए 1 साल हो गया है। और अगर आप हकीकत बताऊं, मेरी YouTube के चैनल पर जाइए और वीडियोज को देखिए, मेरे YouTube के चैनल पर वीडियो पर कितने व्यूज आते हैं, कभी 100, कभी 150, कभी 200, कभी 250। हाँ, कभी कभी कुछ वीडियो पर ज्यादा व्यूज आ जा रहे हैं, किसी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने 1 साल से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर रखा है और सभी वीडियो के एड्स को ऑन कर रखा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी एड्स को ऑफ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसा करना है, ऐसे मतलब कि दूसरे की बातों में नफस करके अपना माइंड यूज करिए, सारे अपने YouTube के वीडियो पे सारे एड्स को आपको ऑन कर देना है, ठीक है दोस्तों। और आपको सिर्फ एक सावधानी बरतनी है कि आपको अपनी वीडियो को खुद नहीं देखना, वरना इनवैलिड क्लिक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मेरी वीडियो मोनेटाइज हो गई है तो देखूं कैसे एड्स आ रहे हैं, किस टाइप के एड्स मेरी वीडियो पे दिखाए जा रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। यानी आपको अपनी खुद की वीडियो को खुद नहीं देखना है, या अपने स्मार्टफोन में ईमेल आईडी को चेंज करके खुद नहीं देखना है, या अपने किसी फैमिली के मेंबर से या घर के किसी मेंबर के मोबाइल से अपनी वीडियो को खुद नहीं देखने। यानी आपको चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद आपके YouTube की वीडियो पर कितने भी व्यूज क्यों ना आते हैं, आपको सारे एड्स को ऑन करना है और अपनी वीडियो को खुद नहीं देखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो थी सही जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरीके से सच वाली जानकारी यानी ट्रू ओरिजिनल जानकारी पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।